Brought to you by Agilus Diagnostics. Agilus Diagnostics. इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करवाने पर अक्सर सरकार का जोर रहा है। देश में अब भी करोड़ों लोग ऐसे हैं जो टैक्स भरने में ढील करते हैं, लेकिन अब इनकम टैक्स भरना उन सभी लोगों के लिए अनिवार्य है जो इस सूची में आते हैं। ऐसे में ये खबर आपके बहुत काम की है, क्योंकि इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई 2024 है, और अगर आप इस तारीख तक ITR फाइल नहीं करते हैं तो आपकी परेशानी बढ़ सकती है। असल में इनकम टैक्स विभाग ने सभी टैक्स पेयर्स के लिए ITR फाइल करना अनिवार्य कर दिया है। ताजा हालात को ध्यान में रखते हुए एक्सपर्ट्स ने अनुमान लगाया है कि सरकार इनकम टैक्स रिटर्न भरने की डेडलाइन को आगे बढ़ाने पर विचार नहीं कर रही है। तो अगर आप बिना जुर्माना दिए ITR भरना चाहते हैं तो आपको 31 जुलाई से पहले ही ITR भरना होगा, वरना इसके बाद आपको जुर्माना भरना पड़ सकता है। वहीं अगर आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करते हैं तो जेल जाने की नौबत भी आ सकती है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट साझा करते हुए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने जानकारी दी है कि असेसमेंट ईयर 2024-25 के लिए 31 जुलाई से पहले इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना ही होगा। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने जानकारी दी कि ITR फाइल करने से रिफंड से लेकर वीजा आवेदन और लोन लेने में मदद मिलती है। वहीं अगर ITR 31 जुलाई से पहले नहीं भरा जाता तो धारा 234A के तहत ब्याज और धारा 234AF के तहत जुर्माना भी लगाया जा सकता है। अब सवाल ये है कि जुर्माने के साथ कब तक ITR फाइल किया जा सकता है। अगर आप किसी वजह से अपना ITR नहीं भर पाते हैं तो लेट फाइन देना होगा। इनकम टैक्स के कानून के अनुसार लेट फाइन और टैक्स पर इंटरेस्ट के साथ 31 दिसंबर 2024 तक ITR फाइल किया जा सकता है। इस तारीख के बाद ITR फाइल करने का मौका नहीं मिलेगा। ऐसे हालात में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कुछ कंडीशन कार्रवाई कर सकता है। अब चलिए जानते हैं कि लेट ITR फाइल करने पर कितना जुर्माना लगेगा। अगर आप लेट ITR फाइल करते हैं तो टैक्स पर भी इंटरेस्ट भरना होगा। लेट ITR फाइल करने पर टैक्स पेयर्स को ₹5,000 तक की तय पेनल्टी देनी पड़ेगी। वहीं एक्सपर्ट्स का कहना है कि 31 दिसंबर 2024 तक ITR दाखिल नहीं करने पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से टैक्स पेयर्स को नोटिस भेजा जा सकता है। साथ ही इसके बाद टैक्स पेयर्स के टैक्स की राशि पर 50 से 200% तक की पेनल्टी लगाई जा सकती है। यहां आपका ये जानना भी जरूरी है कि टैक्स रकम पर ड्यू डेट के बाद से रिटर्न फाइल करने तक इंटरेस्ट लगाया जा सकता है। कुछ परिस्थितियों में टैक्स पेयर्स के खिलाफ मुकदमा भी दायर किया जा सकता है, जिसका अधिकार इनकम टैक्स विभाग के पास मौजूद है। अब ये भी जान लीजिए कि किन परिस्थितियों में आप पर मुकदमा दायर हो सकता है। इनकम टैक्स कानून के तहत ITR फाइल नहीं करने पर 6 महीने से लेकर 7 साल तक की जेल हो सकती है। हालांकि इसके लिए कुछ शर्तें तय हैं। इनकम टैक्स विभाग सिर्फ ऐसे मामलों में मुकदमा कर सकता है जब टैक्स की रकम ₹10,000 से अधिक हो। बता दें, इनकम टैक्स इंडिया लगातार टैक्स पेयर्स को ITR फाइल करने के लिए कह रहा है। तो काम की खबर के इस एपिसोड में फिलहाल इतना ही। आपको हमारी ये खबर कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। बिस्तक आपके लिए लाया है प्रीमियम मेंबरशिप प्रोग्राम, जहां आपको मिलेंगे कई सारे फायदे, जिनमें मार्केट न्यूज़लेटर, लाइव चैट पर आपके सवालों के सबसे पहले जवाब, मार्केट आउटलुक, वीकेंड पर मार्केट स्कैन, एंकर्स के साथ चैट और भी बहुत कुछ। इस प्रीमियम सब्सक्रिप्शन में 3 तरह के प्लान हैं, सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम, जिनकी शुरुआत मात्र ₹159 महीने से होती है। इससे जुड़ना भी बेहद आसान है। बिस्तक के यूट्यूब चैनल पर जाएं, ज्वाइन बटन पर क्लिक करें और अपना प्लान सिलेक्ट करें। बस बन गए आप हमारे प्रीमियम मेंबर।